अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, हुआ कुछ यूँ कि व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर लिया था मॉर्निंग 7:35 जब मैं अपनी क्लास में पहुँची, और बस फिर उसके बाद तो मैं बिल्कुल भूल ही गई कि व्लॉग जो है स्टार्टेड है और जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको साथ साथ रिकॉर्ड करूँ। बेसिकली मुझे जो है आप लोगों को दिखाने थे अपने आलू वाले पराठे जो कि मैंने रात के बचे हुए मटेरियल से बनाए थे, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा। बट मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं बन रहा होता, उस टाइम तो जल्दी 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 में जो है वो पराठे बनाए। बट मैंने सोचा स्कूल में जाके जब हम सब टीचर्स मिलके जब लंच करती हैं तो लंच तो नहीं कहेंगे उसको, ब्रेकफास्ट ही कहेंगे, तकरीबन 10-11 बजे तक जब हम लोग कर रहे होते तो मेरा वो सेकंड ब्रेकफास्ट होता है, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट मुझे लग गई थी भूख और मैंने जो है बिल्कुल हब्बड़ दब्बड़ मचा दी कि जल्दी खाना गरम करो, और जैसे ही खाना गरम होकर आया फिर हलीम पराठे कबाब वो सब कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला, और मैं बिल्कुल भूल गई कि जो है व्लॉग में शूट करना था मुझे। एनी हाउ, जब अब शाम को उठी नींद वींद पूरी करके तो फिर याद आया कि हाँ सुबह से जो है वो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो फिर शाम में तो वही बेसिकली एक्टिविटी होती हैं, फिर बच्चों के लिए जो है फ्राइज़ और ये चिकन वगैरह फ्राई करके उनको दिया। बड़ी सुस्ती हुई भी आजकल क्योंकि बारिश हुई भी थी और दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ काम करूँ, बस दिल चाहता है कि सोते रहें और बस सोते रहें। जब मौसम अच्छा हो तो नींद भी अच्छी आती है, और दो दिन से तो यही हो रहा है, मॉर्निंग में गर्मी होती है और फिर तकरीबन दिन में जो है बारिश स्टार्ट हो जाती है हमारे सोने के टाइम पर, तो फिर क्या अच्छी नींद आती है। एनी हाउ, बच्चों को जो है साथ साथ पढ़ा रही थी मैं, साथ साथ मैंने अपने काम किए, डिनर की तैयारी की। डिनर में आज ये बन रही है तुरई आलू, और बस बड़ी बेसिक से तरीके से सिंपल से तरीके से मैं कुकिंग करती हूँ, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी मेथड तो सबके अपने अपने ही होते हैं, खाने बनाने तो आ ही जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो मैं जो सबसे ईजी वे होता है वो अपनाती हूँ कि बस सारी चीज़ें ऐड करो और फिर लास्ट में उसकी अच्छे से भुनाई कर दो, तो खाना ज़बरदस्त सा रेडी हो जाता है, लगता ही नहीं है कि इसको इसमें कोई शॉर्टकट अपनाया गया है। बस डिनर भी यहाँ रेडी हो चुका है, रोटियाँ बनाऊँगी और सर्व करूँगी, बस इतना सा मेरा चुन्ना मुन्ना सा आज का व्लॉग था। अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद।